Just waiting for this recording तो नमस्कार मोनल जी, एक बार फिर से शुरू करते हैं। तो पहले वाले जो भाग में जहाँ पे हमने चर्चा को किया था अपनी SEL डायलॉग्स के क्रम में, तो पहले वाले भाग में हमने चर्चा किया था सेल्फ केयर को लेकर के, जहाँ पे हमने समझने की कोशिश की थी कि एक सामान्य जीवन में भी और खास तौर से हम जिन विषम परिस्थितियों से कोविड की वजह से जूझ रहे हैं, तो उसमें सेल्फ केयर मतलब अपना रख रखाव, अपना ख्याल कितना जरूरी है और वो होता क्या है। और आपके बातों से हमने सीखा और आपके साथ साथ हम सभी ने झारखंड में शिक्षा विभाग से जुड़े हुए शिक्षकों ने और विभिन्न स्तर पर पदाधिकारियों ने आई एम श्योर आपकी बातों से काफ़ी लाभान्वित हुए। तो उसी चर्चा क्रम को, उसी SEL डायलॉग्स के क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम दूसरे भाग में हैं। और आज जिस विषय पर हम चर्चा करना चाहते हैं और आपसे हम बातों को समझना चाहते हैं वो है वेलबींग पर। तो एक तो अगर हम आम तौर पे देखते हैं सेल्फ है, और सेल्फ से आगे जा करके हमारा जो नियरेस्ट नेबर नेबर है, नियरेस्ट कम्युनिटी है, जिसके बारे में हम आपके साथ और समझेंगे कि वो नियरेस्ट कम्युनिटी क्या है। तो सेल्फ के अलावा उस नियरेस्ट कम्युनिटी की वेलबींग और उस वेलबींग को हम कैसे रख सकते हैं, वो वेलबींग क्या है, इसके बारे में हम आज की चर्चा करेंगे। आज की हमारी बातचीत उसी उन्हीं बातों पे होगी। तो सबसे पहले इस संदर्भ में मैं आपसे समझना चाहता हूं कि जब हम वेलबींग की बात करते हैं तो आपके लिए वेलबींग के अर्थ क्या हैं, वेलबींग के क्या मायने हैं, और एक व्यक्ति के रूप में मुझे या हम में से किसी को वेलबींग के लिए क्यों इतना सोचना चाहिए, ये हमारे जीवन में क्यों महत्वपूर्ण, इस पे आप क्या कहेंगे? सो थैंक यू सो मच। आई थिंक मैं जिस तरह से इसको समझती हूँ वेलबींग के शब्द को, मुझे लगता है कि वेलबींग हर एंगल से देखना चाहिए। मतलब इस शब्द को हर एंगल से देखना चाहिए। हेल्थ की वेलबींग, हैप्पीनेस की वेलबींग, प्रोस्पेरिटी की वेलबींग, बेसिकली आपकी आपके ही जीवन से, आप जिस तरह के भी जीवन जी रहे हो उस जीवन से सेटिस्फैक्शन क्या है, तो लाइफ सेटिस्फैक्शन क्या है, उस नजरिए से एक तो वेलबींग को देखना चाहिए। और मैं कुछ शब्द बोलूंगी। आई थिंक कि मैं वेलबींग को इतनी इतने एंगल से कैटेगराइज करती हूँ। तो फिजिकल वेलबींग, आपकी हेल्थ कैसी है, आप हमेशा हेल्दी रहते हो या आप हमेशा अनहेल्दी रहते हो, आपको जल्दी से कुछ डिजीजेस हो जाते हैं, वो वेलबींग कैसी है आपकी। इमोशनल वेलबींग, इसके बारे में लास्ट टाइम भी हमने एक अलग तरीके से बात की थी सेल्फ केयर के कॉन्टेक्स्ट में, कि आपके आपके दिल में जो हो रहा है उसकी वजह से आपके इमोशंस पे जो हो रहा है वो कैसा है, क्या वहाँ वेलबीइंग की फीलिंग है कि नहीं, सेटिस्फैक्शन की फीलिंग है कि नहीं। सोशल वेलबीइंग, व्हाट आई मीन बाय सोशल वेलबीइंग इज कि सोसाइटी में कई जगह आप देखेंगे कि इनइक्विटीज होती है या किसी तरह की डिफरेंशिएशन होती है। तो सोसाइटी में आपको आप ही की सोसाइटी में या आप ही के सिटी में या आप ही की कम्युनिटी में आपको अगर सेफ नहीं फील हो रहा है, आपको अगर ये नहीं फील हो रहा है कि आप एक्सेप्टेड हो, है ना, तो बाकी के लोग, मेरे जो दोस्त है या मेरे जो आसपास के लोग हैं वो मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहे, दैट इज व्हाट आई मीन बाय सोशल वेलबींग। देन देयर इज अ वर्क प्लेस वेलबींग। आप जहां पर भी आप काम कर रहे हो, क्या आपको वहां सेफ लग रहा है, क्या आपको वहां वेलकम लग रहा है, आपको लग रहा है कि सुबह जब आप ऑफिस में पहुंचोगे, आप जहां पर भी काम कर रहे हो, तो वहां
आपका वेलकम करेंगे लोग एंड यू आर फीलिंग वेलकम, यू आर फीलिंग लाइक यू आर पार्ट ऑफ दैट ग्रुप. सो वर्क प्लेस वेलबींग. देन देयर इज अ कॉग्निटिव वेलबींग. बाय कॉग्निटिव, ये थोड़ा कठिन शब्द है लेकिन मैं इसको बहुत सिंपल तरीके से बताऊं तो बाय कॉग्निटिव व्हाट आई मीन इज कि आपकी जो इंटेलेक्चुअल एबिलिटी है, आपकी जो सोचने की एबिलिटी है और सोच के सॉल्यूशन पे आने की या सोच के ये समझने की कि भाई मेरे लिए ये सही है और ये गलत है, ये जो कैपेबिलिटी है, ये जो जहां से समझ बनती है, तो वो सोचने की जो एबिलिटी है उसकी भी वेलबींग की बात है. क्योंकि अगर आप सोचो कि अगर हमारी स्थिति ऐसी हो जाए कि हमें सोचने की आजादी ही नहीं हो या सोचने की हमारी एबिलिटी विकसित ही ना हो तो कैसा होगा, कितनी गड़बड़ हो जाएगी. मुझे कुछ ये काम करना है, मुझे वो करना है कि नहीं, वो समझ में नहीं आएगा. सो देयर इज अ कॉग्निटिव वेलबींग. एंड देन देयर इज अ स्पिरिचुअल वेलबींग. मेरी जो मान्यताएं है और मैं मान्यता भगवान के कॉन्टेक्स्ट में या रिलीजन के कॉन्टेक्स्ट में नहीं कह रही हूँ, मैं मान्यता ह्यूमन वैल्यूज के कॉन्टेक्स्ट में कह रही हूँ. तो मेरी जो मान्यताएं हैं जिसकी वजह से मैं बनती हूँ, जिसकी वजह से मेरी एक मेरी अंदरूनी स्पिरिट है, उसके बारे में क्या है, उस वहां वेलबींग है कि नहीं. एंड देन देयर इज अ क्रिएटिव वेलबींग. मेरी जो क्रिएटिविटी है, हर इंसान, ऑल ऑफ अस आर बेसिकली क्रिएटिव पीपल, लेकिन क्या टू बी क्रिएटिव उसके लिए हमारे पास टूल्स है, उसके लिए हमारे पास कुछ तरीके है, उसके लिए हमारे पास आजादी है. सो इसकी भी वेलबींग का एक एक मतलब दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द क्रिटिकल थिंग. सो नेट नेट अगर मैं बोलूँ तो ये हर तरह से वेलबींग को सोचा जा सकता है. और मैं एक बहुत क्विकली मैं एक छोटी सी चीज बताना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग हैं स्पेशली वेस्टर्न कंट्रीज में जिन्होंने वेलबींग के ऊपर बहुत सारा रिसर्च किया है. और वेलबींग को जब मतलब OECD करके जो संस्था है उन्होंने जब वेलबींग के बारे में लोगों से पूछा, कई सारे देशों में लोगों से पूछा, तो बहुत इंटरेस्टिंग चीजें निकल के आई. जो 18 की उम्र से ज्यादा वाले लोग हैं, उन्होंने कई लोगों ने बोला कि अगर मैं अपने अपने गांव में या अगर मैं अपने सिटी में रात के 12 बजे बाहर हूँ किसी कारणवश, तो तब मुझे सेफ लगता है कि नहीं, वो भी मेरे वेलबींग का एक पार्ट है. अगर मुझे डर लगता है कि मुझे सिक्योर नहीं लगता है, देन आई एम नॉट then the well-being is compromised. Similarly, अगर कुछ कई लोगों ने बोला कि अगर मुझे पानी की व्यवस्था मेरे घर में आनी चाहिए, मतलब I should get water in my house. It's a simple requirement. या मैं जब कहीं बाहर जाती हूँ तो road ठीक से है कि नहीं, that is also part of my well-being. So लोगों ने इस नजरिए से देखा है कई सारी कंट्रीज में वेलबींग को. बिल्कुल. तो एक जो छोटा सा शब्द लगता है या मुहावरा लगता है वेलबींग, उसको आपने कई सारे आयाम दिए, मतलब कई सारे आयामों में देखने की कोशिश की, जो कि मेरे खुद से और मेरे शरीर से. आमतौर पर हम शरीर को देख लेकर के बात करते हैं, और हमारे झारखंड में एक कार्यक्रम चल रहा है स्कूल हेल्थ एंड वेलनेस प्रोग्राम, तो उसमें भी काफी जोर हम देते हैं सोशल एंड इमोशनल वेलबींग को, है ना, उसका सोशल एंड इमोशनल लर्निंग को, सोशल एंड इमोशनल वेलबींग को हम काफी जोर देते हैं. पर आपने सामाजिक और भावनात्मक वेलबींग से को बढ़ाते हुए उस सोच को आपने उसको कॉग्निटिव स्तर पर, बौद्धिक स्तर पर और रचनात्मक स्तर पर और भी 2-3 स्तरों में परिभाषित करने की कोशिश की. और मुझे लगता है कि इन आयामों को में देखने से एक व्यक्ति के तौर पर जब मैं
अपने बारे में सोचूं कि क्या मैं वास्तव में वेल बीइंग हूं, इज माई बीइंग एट इट्स वेलनेस, तो मुझे शायद समझने में मदद मिलेगी आपने जिन शब्दों का, जिन मुहावरों का जिक्र किया। तो अब मैं जब आपके इसी फ्रेमवर्क को, इसी परिभाषा को जब मैं आगे बढ़ाऊं, और अगर हम एक शिक्षा के क्षेत्र में बात करें, तो आप अवगत हैं कि शिक्षा में जिला स्तर पर हमारे पदाधिकारी हैं, और एक एक पदाधिकारी की जिम्मेदारी, मतलब उनकी उनकी अगर टीम की बात करें, अगर शिक्षकों के साथ अगर हम बच्चों को छोड़ भी दें, तो अगर हमारे जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं और तो उनके साथ में उनके जिला ऑफिस में काम करने वाले 10 लोग हैं, प्रखंड स्तर पर उनके साथ काम करने वाले 25-30 लोग हैं, बड़े बड़े जिलाओं में तो वो 80-70 के की संख्या में है। और उसके बाद मैं तो शिक्षकों की बात भी नहीं कर रहा हूँ, शिक्षक तो बड़े जिलाओं में 1,500 है ना, 1,000 से 1,500 के बीच में शिक्षक हैं। तो इतना बड़ा एक मेरा अगर एक कार्य क्षेत्र है ना, एज ए लीडर, एज ए टीम लीडर, और अगर मैं जिला शिक्षा पदाधिकारी को एक लीडर मानूं, तो जब मैं इस वेलनेस के इस फ्रेमवर्क से देखूं, तो क्यों आपको लगता है कि एक लीडर के रूप में अपनी टीम की वेलबींग को लेकर के, अपने टीम के वेलनेस को लेकर के मुझे ध्यान देना चाहिए, और ध्यान देना चाहिए तो वो मैं कैसे कर सकता? सो वेरी वेरी गुड क्वेश्चन. मैं जो अभी तक समझी हूँ, मैं खुद एक लीडर हूँ एक ग्रुप ऑफ पीपल के लिए, और मैं जिस तरह से समझ रही हूँ वो ये है कि एक लीडर का सबसे अहम काम ही वेलबींग का है, एक्चुअली स्पीकिंग. ये नहीं है, मतलब ये तो है ही कि काम कराना है, काम फिनिश कराना है वगैरह वगैरह. पर मुझे लग रहा है कि उनका बहुत बड़ा आ, 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 रोल है उनकी जो टीम है, उनकी जो ऑफिस है, उनकी जो ऑफिस की कल्चर है, उसके वेलबींग को मेंटेन करना. और मैं क्यों ये कह रही हूँ, मैं ज्यादातर देखती हूँ, मतलब मैंने कई बार ये ऑब्जर्व किया है कि जब मीटिंग्स होती है, फॉर एग्जाम्पल, आई एम जस्ट गिविंग यू वन वन एग्जाम्पल ऑफ वन प्लेस वेयर द वेलबींग मैटर्स. तो मीटिंग होती है तो एज अ लीडर मैं क्या कर रही हूँ, मैं मीटिंग में जाके धड़ाधड़ बात कर रही हूँ कि भाई ये करना है, ये करना है, ये करना है, और आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया, आपने वो नहीं किया. मैं ये कर रही हूँ या मैं ये कर रही हूँ कि हमें ये करना था और कहाँ तक पहुंचा है, और अगर हम नहीं पहुंचे हैं तो अब हम कैसे पहुंचेंगे. मैं जिस नुआंस की बात कर रही हूँ वो है पार्टिसिपेटरी, क्या बोलते हैं, पार्टिसिपेटरी मीटिंग लीडरशिप बोलते हैं उसको. मीटिंग हाँ, तो व्हाई इज दिस, वेदर यू कॉल इट एज अ मीटिंग टाइप और वेदर यू कॉल इट एज अ लीडरशिप टाइप, व्हाई इज दिस इम्पॉर्टेंट? इट इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज लोगों की वेलबींग इस पे निर्भर है कि आप एज अ लीडर उनको ये महसूस करवा रहे हो कि वो अनवांटेड है, या आप उनको ये महसूस करवा रहे हो कि उनकी जो बात है, उनके जो सोच है, वो बहुत ही वांटेड है. सो आर दे फीलिंग पार्टी, आर दे फीलिंग दैट दे आर पार्टिसिपेटिंग इन द डिसीजन मेकिंग और नॉट? सो लीडरशिप, मतलब एक लीडर के लिए लोगों की वेलबींग इस तरह से भी इम्पॉर्टेंट है, टीम की वेलबींग इस तरह से भी इम्पॉर्टेंट है. दूसरा मैं एक एग्जाम्पल देना चाहती हूँ कि कई बार, अभी कोविड का जमाना है और कोविड के पहले भी, हमारे सबके साथ कुछ ना कुछ हुआ है, राइट? और एज अ लीडर मैं जब मेरे टीम मेंबर्स को मिलती हूँ तो मैं फटाक से कहाँ से शुरू करती हूँ, भाई ये काम हुआ कि नहीं, मैं यहाँ से शुरू कर रही हूँ या मैं यहाँ से शुरू कर रही हूँ कि आप कैसे हो और आपके घर पे कुछ हुआ था, पिताजी को वो कैसे हैं, अब सब ठीक है कि नहीं? सो एम आई शोइंग द केयर टू माई टीम मेंबर्स अबाउट देयर वेल बीइंग एंड अबाउट देयर वेयर दे आर टूडे इन टर्म्स ऑफ हाउ दे आर फीलिंग? एम आई एबल टू शो दैट और नॉट? एम आई डूइंग दैट और नॉट? एंड वाई इज इट अगेन इम्पॉर्टेंट? बिकॉज ओनली देन द टीम मेंबर इज गोइंग टू फील कि ओ, मेरा लीडर तो
शी रियली केयर्स फॉर मी, दैट फीलिंग वहां से आएगी. ये बोलने से नहीं आएगी कि भाई हमारे वहाँ सब बहुत फैमिली जैसा महसूस करते हैं. फैमिली जैसा महसूस करते हैं, ऐसे बोलने से फैमिली जैसा महसूस नहीं होता है, पर वो करने से महसूस होता है. सो आई एम जस्ट सेइंग दैट इज हाउ आई सी इट. आई वांट टू शेयर दैट सम ऑफ दिस थिंग्स, यू नो, जैसे हम ये शब्द बहुत कॉमनली यूज करते हैं कि बिल्डिंग ओपन एंड ऑनेस्ट एंड ट्रस्टिंग रिलेशनशिप विथ योर टीम मेंबर्स, केयरिंग फॉर देम, इमोशनल उनकी स्टेट क्या है, और अगर उन्होंने कुछ काम किया है तो वो कहाँ फंसे हैं, सो प्रोफेशनल स्टेटस क्या है, इसको चेक इन करके फिर उनके साथ काम करना. सो केयरिंग फॉर देम नॉट ओनली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वेयर दे आर, बट ऑल्सो इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ हाउ दे कैन ग्रो इन द प्रोफेशनल इन द प्रोफेशनल एंडीवर. ऑल ऑफ दैट बिकम्स इम्पॉर्टेंट एज अ लीडर टू डू. तो अगर मैं जी, तो अगर मैं आपकी इस पूरे जो आपने एक विश्लेषित बात रखी, अगर मैं उसको एक एक शब्द में बोलूं तो ये है कि एज अ टीम लीडर मैं कैसे अपने साथ काम करने वाले को मूल्यवान प्रतीत कराता या कराती हूँ, उनके बारे में, उनके घर परिवार के बारे में बातचीत शुरू करके, या वो कैसा महसूस कर रहे हैं किसी खास क्षण में, या फिर उनके लिए क्या बेहतरी होगा करियर के क्षेत्र में, है ना, या उनके अगर उनकी क्योंकि कई सारे व्यवस्थाओं में हो सकता है करियर ग्रोथ का पे कुछ खास कंट्रोल नहीं, तो पर उनके अपने बच्चे हैं या उनके अपने चाहने वाले हैं, तो उनके बारे में मैं कंसर्न होकर के दिखाऊं. और एक बार जब वो हमारे टीम के सदस्यों के साथ जुड़ेगा तो शायद मैं भी महसूस करूंगा कि मैं कितना अहम हूं, और वो अंदर से वो शायद वो प्रेरणा कह सकते हैं या मोटिवेशन कह सकते हैं कि मैं काम करूं. वो शायद फिर पूछने की जरूरत नहीं होगी कि मैं कि तुम ये काम हुआ कि नहीं हुआ, आपने किया कि नहीं किया. तो इसी बात को आगे बढ़ाते हुए अगर मैं टेबल के दूसरी तरफ प्रकाश डालूं, तो एक तो हुआ टीम लीडर, और जब हम टीम की बात करते हैं तो वो लीडर और उनका जो पूरा जो टीम है उसके साथ में बनता है. तो अब जो दूसरा वाला हिस्सा है, जो बाकी जो टीम है, उनकी क्या फिर जवाबदेही बनती है जब हम वेलबींग के दृष्टिकोण से देखते हैं. तो एक तो लीडर की जवाबदेही है टीम की वेलबींग के रूप में, पर जिस तरह से ताली भी दो हाथ से बजती है, तो दूसरे हाथ की क्या जवाबदेही होगी कि वेलबींग की ये ताली बज सके. तो उसके तरफ आपका क्या है? No, again a very well thought out question. Like you said, ताली दो हाथ से ही बजती है, एक हाथ से नहीं बजेगी. ये मतलब ये बहुत common ये है. But what do we mean by that in this context? देखो, हम जो work environment में काम करते हैं, कोई भी office ऐसी नहीं होगी जहाँ पर दो लोगों के बीच में अनबन ना हो, है ना? क्योंकि एक एक आपको टास्क मिला है, वो टास्क को अचीव कैसे करना, उसके लिए हमेशा एक बंदे के पास एक तरीका होगा, दूसरे बंदे के पास दूसरा तरीका होगा. ये कॉमन है, राइट? अब उसके बीच में कॉमन एक सिंगल तरीके पे आना, और फिर वो एक सिंगल कॉमन तरीका अपनाना उस टास्क को अचीव करने के लिए, वो जो सिचुएशन है उसमें दोनों का भाग होता है. लीडर हैज टू सेट अप के भाई आप ये टास्क बिना फाइटिंग किए या बिना अनबन किए कैसे अचीव करोगे. उसकी जो कल्चर है, वर्क कल्चर लीडर को सेट करनी होगी. लेकिन उतना ही महत्व हो जाएगा कि जो टीम है, मैं और मेरा टीम मेंबर ये कैसे करे कि बिना अनबन के, क्योंकि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो है, लेकिन फिर भी अनबन के बगैर मेरा रोल क्या है कि मैं ऐसे करूं कि अनबन किए बगैर आई वर्क एज अ टीम विद दैट पर्सन. एंड दैट विल रिक्वायर अ लॉट ऑफ मैं जो समझी हूँ
कई बार ना उनका आइडिया शायद ज्यादा बेटर है, तो मेरा आइडिया को जाने दो, मेरा ईगो को जाने दो, ये करना पड़ता है। ये नहीं कि अरे हमेशा ये आदमी तो हमेशा इनके तरह से ही होता है, मैं तो इनको अब सपोर्ट नहीं करूंगी, लेट्स सी होता है कि नहीं का। मैं थोड़ा फनी सिनेरियो क्रिएट कर रही हूँ, पर मैं ये कहने की कोशिश कर रही हूँ कि टीम मेंबर को एक दूसरे के साथ कैसे बिहेव करना है, ये भी लीडर को भी सेट करना और टीम वाले को भी उतना ही सेट करना है, क्योंकि दोनों टीम मेंबर्स की वेलबींग एक दूसरे के हाथ में है, सिर्फ लीडर के हाथ में नहीं है। सो आई हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल एज अ टीम मेंबर कि मैं अपनी वेलबींग का ध्यान दूं, देयरफॉर मैं सॉल्यूशन पे आऊं ना कि झगड़े को कंटिन्यू करूं, एंड बिल्कुल दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। बिल्कुल, आपने थोड़ा बोला कि मजाकिये उदाहरण में, बट मुझे लगता है कि वास्तविक भी है। मतलब ये हमारे हिडन कॉन्शियस में भी रहता है कि किसी की टांग खिंचाई करो एंड लेट हिम और हर फेस द सिचुएशंस, तो उसे पता चलेगा कि फिर वो कैसा है। बट और ये बिल्कुल सही भी है। और अगर मैं अभी अपनी और आपकी भूमिका को देखूं, तो आप संभवतः एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन में एक लीडरशिप पोजीशन में हैं, और मैं और इस वजह से काफी सारी जिम्मेदारियां और जवाबदेही है। मैं जो हूँ, मेरी जो उम्र है, मैं उतने बड़े बड़े लीडरशिप पोजीशन पे नहीं हूँ, हूँ बट उतनी जवाबदेही नहीं है, उस तरह से एम्फेटिक नहीं हूँ। तो कई बार ये भाव आते भी हैं कि वो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है, तो लेट हर और हिम टेक द चांस, और मैं देखता हूँ इफ आई होल्ड माई हैंड और मैं कुछ नहीं करता हूँ तो फिर वो कैसे आएगा। बट ये बहुत जरूरी है, ये आई थिंक ये इसको रेखांकित करना बहुत जरूरी है कि ऑल्दो लीडर जो हैं या हमारे संदर्भ में पदाधिकारी जो हैं, वो जवाबदेह तो हैं, और अंत में जवाबदेही अपने से ऊपर के पदाधिकारी की उनकी ही होगी, बट वो खुश रहें और एक टीम एक अपने एक हार्मनी में काम करे, ये उतना ही ज्यादा जवाबदेही सदस्य की भी है, भले वो छोटा पहिया ही हो, बट नेवरदलेस वो पहिया है जिसपे गाड़ी का चलना तय होता है। एब्सोल्युटली। एंड यहाँ पर मैं एक छोटी सी चीज ऐड करूंगी कि इसके लिए जो आप कह रहे थे ना कि एक्सपेक्टेशन होती है कि कोई और सेट करके दे, आई थिंक एक जो वर्ड जो अभी तक हमने खोला नहीं है यहाँ पर, वो ये है कि ट्रांसपेरेंसी, ऑनेस्ट कम्युनिकेशन एंड एब्सोल्युटली ट्रांसपेरेंट कल्चर। और वो लीडर का भी रोल बनता है उसको सेट करने का, लेकिन एट द सेम टाइम टीम मेंबर का भी रोल बनता है उसको उसको जीने का, उसको बिल्कुल मतलब ऑलवेज बी ट्रांसपेरेंट विथ ईच अदर इज ये टीम टीम का भी मतलब उसमें बहुत रोल है। एक टीम वर्क, एक सिद्धांत, एक प्रिंसिपल हो सकता है बीइंग ट्रांसपेरेंट एंड एब्सोल्युटली। ऑनेस्ट। बिल्कुल। तो अब मोनल, हम लोग बहुत ही आखिरी सवाल पे हैं कि अब जब हमने इतनी सारी बात कर ली, एक प्रकार से हमने संदर्भ को रखा, परिप्रेक्ष्य को रखा कि वेलबीइंग क्या है, टीम के लिए जरूरी क्यों है, लीडर के लिए जरूरी क्यों है, टीम के सदस्यों के लिए जरूरी क्यों है, तो जल्दी जल्दी ये भी जान लेते हैं कि वो कौन सी गतिविधियां हैं एक टीम के रूप में जो हम लोग कर सकते हैं, सामान्य सी साधारण सी गतिविधियां जो हम लोग कर सकते हैं, और हमारे करने से एक हद तक हम अपने टीम में वेलबींग को सुनिश्चित कर सकते हैं, तो वो गतिविधियां कौन सी होंगी? श्योर। सो देखो, एक तो ना ट्रस्ट बिल्डिंग की गतिविधि जरूर मैं हमेशा रेकमेंड करती हूँ और हम लोग करते हैं। बहुत सिंपल एक्टिविटी है और बिल्कुल मतलब आई थिंक मोस्ट ऑफ अस हैज प्लेड दैट, इट्स लाइक अ गेम। लेकिन उससे ना उससे जो होता है वो बहुत सारा हाउ डू आई ट्रस्ट माई टीम मेंबर उस पर काफी रिफ्लेक्शन होता है। तो एक जो हम करते हैं ना कि आप खड़े हो और आपको आईज क्लोज करना है और आपको बहुत फुल ट्रस्ट रखना है अपने बाकी के टीम मेंबर्स पे और पीछे गिरना है
और बाकी के टीम मेंबर्स को उसे पकड़ना है, ऑब्वियसली उसको गिरने नहीं देना है, उसको वो उसको लग जाए वैसे नहीं करना है. और इस तरह की कुछ बहुत सिंपल सी गेम्स है, ये ट्रस्ट बिल्डिंग के लिए बहुत काम की है. क्योंकि ज्यादातर मैंने क्या देखा है कि जब ये गेम खेलते हैं उसके बाद, क्योंकि कई लोग ये करते हैं, कई सारे छोटे छोटे ग्रुप्स ये करते हैं और बहुत सारी बातें आती है, क्योंकि जो गिरने वाला होता है वो जब उसने आंख बंद करी होती है उसको ये महसूस होता है कि यार मैं गिरूंगी तो ये मुझे पकड़ेंगे कि नहीं, ये डाउट आएगा. कुछ लोग ये सोचते हैं कि मैंने आंख तो बंद कर ली है और ये लोग मुझे पकड़ ही लेंगे, लेकिन ये लोग आ गए मेरे पीछे या अभी तक आए नहीं है, ऐसे कई सारे सवाल आते हैं. और इसकी वजह से बहुत सारा हम किस तरह से अपने टीम मेंबर्स को देखते हैं, अपने साथियों को देखते हैं, इसके बारे में बहुत सारा रिफ्लेक्शन होता है. और जो लोग पकड़ने वाले होते हैं उनके साथ भी बहुत सारा मैंने देखा है कि क्योंकि कई लोग जब एक मिनट में गिरते नहीं है तो वो लोग भी सोचते हैं कि अब ये गिरने वाले हैं नहीं गिरने वाले, अब मैं पकड़ूं नहीं पकड़ूं, मैं पकड़ूंगी तो ये छूट तो नहीं जाएगा, उनको अपने आप के ऊपर डाउट आना शुरू होता है. तो अगेन दैट भावना कि मुझे मेरे टीम मेंबर को पकड़ना है, यानी उसके वेलबींग का ध्यान रखना है, लेकिन मैं वो कर पाऊंगी कि नहीं उसके ऊपर एक पूरी सोच बनती है. आई थिंक कि दैट आई हैव सीन कि वो गेम बहुत हेल्प करती है. ऑफ कोर्स ये किसी को करानी पड़ेगी, ऐसे ही सब लोग करने लगेंगे और किसी को लग जाएगा, ये नहीं मैं रेकमेंड कर रही. आई थिंक दूसरा है खुद के अंदर झांकना, जिसको मैं इंटर पर्सनल अवेयरनेस, खुद के अवेयरनेस एंड इंटरपर्सनल अवेयरनेस के लिए बोलती हूँ. एंड आई थिंक उसके लिए जो एक दो जो एक्टिविटीज है वो यही है कि जस्ट सम जर्नल राइटिंग या एक साथ मिलके रिफ्लेक्शन करना कि मतलब आपने अगर एक टास्क किया है, मान लीजिए कुछ एक हफ्ते का एक टास्क था जो आपने किया है, तो उसके बाद साथ में बैठ के रिफ्लेक्ट करना कि इस टास्क में मैंने किस तरह से अपने आपके मैंने किस तरह से आपके साथ बिहेव किया, आपने किस तरह से मेरे साथ बिहेव किया, और इसको हम कैसे इम्प्रूव कर सकते थे, क्या इसमें कुछ ऐसा था कि जिसकी वजह से आपको ऐसा बुरा लगा या आपको थोड़ा अजीब लगा. इस तरह की बहुत ओपनली बातें करना और इसको नोट करना कि ओके टास्क वन हो गया तब ऐसा हुआ, अब हम टास्क टू में जब जाएंगे तब हम कैसे, मतलब हाउ विल वी चेंज दिस. सो आई थिंक एक ये बहुत, अगेन इट्स अ वेरी सिंपल एक्टिविटी, आप ऑफिस में जब अपना काम कर रहे हो तब यू नो हाफ एन आवर यू कैन फाइंड आफ्टर यू हैव फिनिश्ड वन कोवर्किंग टास्क एंड यू कैन जस्ट डू दैट एक्टिविटी विथ ईच अदर. एंड हर जन बोल रहा है, मान लो कि पांच जन का एक ग्रुप है, हर बोल रहा है कि या जब मैं आपके साथ काम कर रहा था मुझे तो ये महसूस हुआ, ये हुआ ये नहीं हुआ, तो नेक्स्ट टाइम लेट्स बी मोर कॉन्शियस. सो आई थिंक वन इज दैट. The other जो मैं कह रही थी ये इंटरपर्सनल के लिए, the other thing जो मैं कह रही थी वो खुद के लिए. जब इस तरह की आप एक्टिविटी करने वाले हो जो मैं इंटरपर्सनल के लिए बोल रही थी, उसके पहले खुद की जर्नलिंग कर दे कि खुद को क्या लगा कि दूसरे ने मेरे साथ क्या कैसा बिहेव किया, या खुद को क्या लगा कि मैंने दूसरे के साथ कैसा बिहेव किया. या सो दोनों, मतलब इट इज ऑलमोस्ट लाइक दो, जैसे हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं ना, मेरे इतने पैसे मैंने डाले और मेरे इतने पैसे बच गए, तो वैसे ही बैलेंस शीट बनाने की बात कर रही हूँ कि भाई व्हेन आई वाज डूइंग समथिंग विद समवन
what did I give? And when I was doing something with someone, what did I receive? And how am I feeling about it? What is happening to me because of that? I think इसकी journaling अगर हम constantly करते रहेंगे, trust me, मैंने कई बार देखा है कि कई बार हम इतने हावी हो जाते कि उन्होंने मेरे साथ ऐसे किया और वो बहुत गलत है, लेकिन and that affects the well-being, है ना, कि बहुत बुरा लगता है. लेकिन when I write down कि what did I do with others, I also realize that maybe I am also doing some such things. And so then it tells me I need to balance this. बिल्कुल. Yeah. Just concluding जो आप कह रहे थे कि तो अगर हम इसको देखें तो इसको तीन धरे में देखें, एक तो अपने लिए intrapersonal, दूसरा interpersonal और उसके बीच की जो pull है trust. तो इन तीनों के लिए आपने activities बताए और पहला वाला जो इंट्रापर्सनल है, जो अपने रिफ्लेक्शंस हैं, उसका आपने बैलेंस शीट वाला एक फ्रेमवर्क दिया. आई थिंक वो किया जा सकता है और मुझे लगता है हमारे कई साथी करते भी हैं. मतलब इट्स अ सिंपल डायरी राइटिंग एक्सरसाइज, नॉट ओनली जिसमें कि हम केवल उसको पर्सनल लाइफ के मोर्चे को हम डायरी क्रॉनिकल नहीं कर रहे हैं, बट प्रोफेशनली भी हम किस तरह से लोगों से बात कर रहे हैं. और मुझे लगता है अगर मैं किसी से दुखी हूँ या अगर इफ इट इज अगर किसी की हरकतें मेरे वेलबींग पे असर कर रही हैं, तो ये छोटा सा एफर्ट मैं ले सकता हूँ, एक सादे कागज पे अपने कलम से मैं लिखूं कि वो क्या हुआ, मतलब हिसाब किताब उसका गुना भाग मैं कर पाऊं कि क्या हुआ और मैंने क्या किया, तो शायद अपने आप को एक थोड़ा शांत करने को एक अवसर मिलेगा. बिल्कुल. और दूसरा वाला जो अपने ग्रुप में लोगों के साथ सुनना और वो कितना भयमुक्त हो, ताकि मेरे सबॉर्डिनेट भी भयमुक्त होकर के मेरे बारे में, मेरे सामने में जो उनकी आपत्तियां हैं वो जाहिर कर सकें और मैं भी उसको कितना पॉजिटिव स्पिरिट में लूं. तो और मुझे लगता है कि मैं जितना इसको पॉजिटिव स्पिरिट में लूंगा, ये उतना ही एक लीडर के नाते मेरे साहस को भी दर्शाता है कि मैं अपने सामने मेरे सबॉर्डिनेट ने अगर मेरी आलोचना या मुझसे अपनी नाखुशी जाहिर की, तो मैं कितनी शालीनता और शांति के साथ उसको स्वीकार कर सकता हूँ. एंड जो बीच वाला ऑब्वियसली जो ट्रस्ट बिल्डिंग एक्सरसाइज है, इट्स अ फन एक्टिविटी, तो उसके लिए तो एक स्पेस होगा, बट आई थिंक वहां तक हम पहुंच पाए वो बहुत ही, मतलब वो एक ऐसी एक्सरसाइज है जहां पे मुझे लगता है एक प्रकार का विश्वास पहले ही होना पड़ेगा, उसके बाद हम उस एक्टिविटी को करें. तो उस विश्वास को हम पहले बनाएं और फिर हम और अधिक उस विश्वास को बनाने के चरण में हम पहले जर्नल अपने लिए लिखें और लोगों से एक ऑनेस्ट फीडबैक लें. आई थिंक तब हम शायद अपनी वेलबींग को और दूसरों के वेलबींग को समझ सकते हैं. तो बहुत बहुत धन्यवाद मोनल, एक छोटा सा ही आपसे समय मांगा था, बट आपने आई थिंक बहुत कुछ सीखा आपसे वेलबींग के विषय में, और मुझे लगता है गतिविधियों के स्तर पर भी ये बहुत ही सामान्य सी गतिविधि है जिसको हम लोग कर सकते हैं और करना चाहिए, क्योंकि तनाव तो हमें रहता है, तो उस तनाव के कार्ड के रूप में अगर हम किसी गतिविधि में इन्वॉल्व होते हैं, वो इतनी सिंपल है गतिविधि है, तो हमें बिल्कुल करना चाहिए. और वेलबींग के कई सारे आयामों को पहचानने में, उसकी परिभाषा को समझने में भी आई एम श्योर मैंने बहुत सीखा, और मुझे उम्मीद है कि आपके साथ आपकी इन बातों से हमारे विभिन्न जिलाओं के पदाधिकारी और शिक्षक गण भी लाभान्वित होंगे और हो सकता है कि कुछ गतिविधियों को भी वो अपनाएं और फिर जो स्ट्रेस है उससे वो बाहर निकल पाए. सो बहुत बहुत धन्यवाद आपका. थैंक यू वेरी मच.